जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अमित और स्वागत है आप सभी का एक न्यू वीडियो के अंदर। यहाँ पर रियलमी 8 4G को आफ्टर एंड्रॉइड 12 और रियलमी वाई 3.0 अपडेट करने के बाद जो यहाँ पर कमियां देखने को मिली और कुछ ज्यादा ही यहाँ पर बग्स देखने को मिले, उसी बग्स और यहाँ पर कुछ कमियों के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहेगा। मैं साथ में ये भी बताऊंगा कि आप लोग को यहाँ पर अपडेट नहीं मिला तो कब तक अपडेट देखने को मिल सकता है। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज की जो वीडियो है बिना देरी के शुरू करते हैं। यहाँ पर बात करें सबसे पहले तो दोस्तों आप सभी को मैं बता दूं, यहाँ पर जितने भी Realme 8 4G यूजर जिन लोगों ने अर्ली एक्सेस का फॉर्म भरा था सिर्फ उन्हीं को ये अपडेट देखने को मिला, चाहे उनके डिवाइस में 8.22 चल रहा था चाहे 8.24 चल रहा था। जिन लोगों ने फॉर्म को कल भरा था उन्हीं को ये अपडेट देखने को मिला था, और जिन लोगों ने फॉर्म नहीं भरा उन लोगों को ये अपडेट प्रोवाइड नहीं करा गया। अब जो बाकी जो यूजर्स रह गए जिनको अपडेट प्रोवाइड नहीं कराया उनको जो अपडेट है यहाँ पर कब देखने को मिल सकता है, 2 या 3 महीने का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि 2 या 3 महीने लगे जाएंगे इस अपडेट को स्टेबल होने में। उससे पहले कोई भी चांसेस नहीं है कि आप लोगों को यहाँ पर अपडेट प्रोवाइड कर दिया जाए। यहाँ पर जिन लोगों ने अर्ली एक्सेस का अपडेट किया है अपने डिवाइस में उनको यहां पर 1 महीने बाद अपडेट देखने को मिल सकता है दोबारा से, बट जिन लोगों ने अभी तक सिंगल अपडेट भी नहीं किया रियलमी वाई 3.0 का उनको कम से कम 2 या 3 महीने का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि इतना टाइम लगेगा अपडेट को स्टेबल होने में। अप्रैल का महीना मान के चलिए, वहां तक आप लोग को ये जो है ना आपके डिवाइस में स्टेबल अपडेट को रोल आउट कर दिया जाएगा रियलमी वाई 3.0 और एंड्रॉइड 12 का। अब मैं बात कर लू यहां पर सबसे पहले बग्स के बारे में, तो यहां पर जो सबसे पहला जो बग देखने को मिल रहा है वो है यहां पर बैटरी ड्रेन इशू का। जी हाँ दोस्तों, जो बैटरी ड्रेन का जो इशू है यहां पर सबसे पहले मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो ये इशू है हमेशा रियलमी के हर अपडेट यानी जो सबसे बड़ा जो अपडेट होता है ना उनके वर्जन का उसके अंदर ये देखने को मिल जाता है। तो यहां पर मैंने पहले भी जब रियलमी 8 के में अपडेट आने से पहले बोला था कि अर्ली एक्सेस का फॉर्म तभी भरना जब आप लोग को बग्स वगैरह नहीं चाहिए तो, और अगर आप लोग यहां पर रिस्क लेना चाहते हो तो फॉर्म को भर सकते थे, और उन लोगों ने फॉर्म भरा और उन लोगों को अपडेट मिला है। तो काफी सारे यूजर्स कमेंट कर रहे हैं हमारे टेलीग्राम जो चैट सपोर्ट ग्रुप है उसके अंदर भी मैसेज आ रहे हैं, और नीचे कमेंट में भी बता रहे हैं कि उनके जो डिवाइस है उसके अंदर यहां पर काफी बैटरी ड्रेन का इशू देखने को मिल रहा है। उनकी जो बैटरी ड्रेन है लगभग यहां पर कोई लोग 70% चार्ज है तो यहां पर लगभग आधे घंटे बाद 20% बैटरी यहां पर ड्रेन होते हुए देखने को मिल जा रही है। रात में अपने फोन को छोड़ दे रहे हैं तो यहां पर 8% का बैटरी डिग्रेडेशन देखने को मिल रहा है, और ये लोग भी बता रहे हैं कि यहां पर चार्जिंग भी स्लो हो गई है, और जो चार्जिंग स्लो होने की वजह से यहां पर जो चार्जर भी है ना वो यहां पर सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, और थोड़ी बहुत हीटिंग की भी इशू देखने को मिल रही है चार्जिंग के टाइम में। और एक और बड़ी बात की यहां पर जो बैटरी ड्रेन की प्रॉब्लम है सीरियस इशू बना हुआ है, यहां पर बैटरी काफी जल्दी यहां पर ड्रेन हो रही है। जिन लोगों ने यहां पर पहली बार इस अपडेट को अपडेट किया था ना, अपडेट करने के बाद यहां पर दूसरी जो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम देखने को मिली, दूसरा सबसे बड़ा जो बग देखने को मिला था वो यहां का हीटिंग इशू का। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही आप लोगों ने रियलमी 3.0 अपडेट किया होगा तो आपके डिवाइस में थोड़ी बहुत यहां पर हीटिंग इशू जरूर हुई होगी, क्योंकि मैंने अक्सर ये बात को नोटिस करा है। मैंने भी जब अपने रियलमी 2 प्रो को यानी कि आज से 2-3 साल पहले जब हमें रियलमी 1.0 का जो अपडेट मिला था ना, उसके अंदर रियलमी 2 प्रो के अंदर काफी हीटिंग इशू देखने को मिली थी। यहां पर रियलमी का जब भी कोई बड़ा अपडेट होता है ना एंड्रॉइड वाला, उसके अंदर यहां पर हीटिंग इशू हर यूजर्स को देखने को मिल जाती है। हर यूजर्स यानी कि मैं कंप्लीटली की बात नहीं कर रहा, लगभग यहां पर 70% यूजर्स को तो ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है आफ्टर जब वो लोग अपडेट करते हैं, जब उनका फोन रिबूट मोड में जाता है वहां पर अपडेट हो रहा होता है उस टाइम में फोन काफी ज्यादा यहां पर हीट हो जाता है, तो वो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और यहां पर बीच में कभी कभार थोड़ी बहुत भी हीटिंग वगैरह देखने को मिल रही है। जो तीसरा सबसे बड़ा जो इशू और काफी सीरियस इशू है, ये जो इशू है ना सबसे यहां पर कौन हर यूजर्स के लिए काफी ज्यादा यहां पर मुश्किल बना दे रहा है। इसको अपडेट करने के बाद जो सबसे तीसरी बड़ी सबसे इशू है यहां पर माइक्रोफोन का इशू आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों को पता हो कि आप लोग यहां पर किसी को कॉल कर रहे हैं, अगर आप लोगों के डिवाइस में अपडेट मिला है और आप लोग किसी को यहां पर कॉल कर रहे हो ना, तो उधर से तो आवाज आपको सुनाई दे रही है पर इधर की जो आप लोग यहां से बोल रहे हो ये जो आवाज है रिकॉर्ड होकर उधर नहीं सुनाई दे रही है, यानी कि आप लोग यहां पर कॉलिंग भी नहीं कर सकते हो। तो ये सबसे बड़ा इशू ये है कि आप लोग, आपको पता है कि आज के टाइम में यहां पर कॉलिंग हर कोई करता ही है, और जो कॉलिंग ही नहीं कर पाएंगे तो सबसे बड़ा इशू तो यही है कि यहां पर जो यूजर्स लोग हैं जिन लोगों ने अपडेट कर लिया उनके डिवाइस में यहां पर कॉलिंग का इशू आ चुका है, माइक्रोफोन का इशू है। इससे किसी प्रकार की जो आवाज है ना दूसरे बंदे को यहां पर सुनाई नहीं दे रही है, तो ये इशू काफी बड़ी यहां पर आ चुकी है। आप लोग इस इशू से जल्द से छुटकारा पाना चाहते हो ना, तो यहां पर ट्विटर के ऊपर उनको ट्वीट करो रियलमी वालों को, नहीं तो आप लोग यहां पर रियलमी कम्युनिटी के अंदर बग रिपोर्ट कर सकते हो। बग रिपोर्ट का जो लिंक है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। तो ये जो तीसरा सबसे बड़ा इशू यही है कि यहां पर कॉलिंग के टाइम आप लोग की जो आवाज है दूसरे बंदे को यहां पर नहीं सुनाई दे रही है। तो रियलमी वाले अगर उनको ये वीडियो देख रहे हैं तो जल्द से जल्द इस चीज को फिक्स करने की कोशिश करें, क्योंकि जो इशू है बहुत बड़ा ये इशू देखने को मिल चुका है यहां पर रियलमी 3.0 का अपडेट करने के बाद, क्योंकि ये ट्रायल वर्जन था और मुझे पता था इसके अंदर यहां पर प्रॉब्लम्स देखने को मिलेगी, क्योंकि हमेशा ट्रायल वर्जन के अंदर प्रॉब्लम आते ही आते हैं, इसलिए यहां पर लिमिटेड यूजर्स को फॉर्म भराया जाता है और लिमिटेड यूजर्स को ही अपडेट दिया जाता है। अब मैं यहां पर अगला जो पॉइंट है उसके बारे में बात करूं।
तो यहाँ पर हम लोग चौथे इशू के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो चौथा इशू आप सभी को यहाँ पर देखने को मिलता है ना, वो है यहाँ पर वीडियो कॉल से रिगार्डिंग। जी दोस्तों, अगर कोई लोग, ये सभी के साथ नहीं है, यहाँ पर तीन चार यूजर जिनके साथ ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है, अगर वो यहाँ पर वीडियो कॉल करते हैं तो वीडियो कॉल के टाइम जो फ्रंट कैमरा जो ओपन होता है ना, वो यहाँ पर रेडिश टाइप का देखने को मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोग वीडियो कॉल करेंगे तो आपका फेस है ना यहाँ पर रेड रेड दिखा रहा है स्क्रीन के ऊपर। तो जो वीडियो कॉल के टाइम प्रॉब्लम है, ये काफी बड़ी प्रॉब्लम है। पहले माइक्रोफोन की प्रॉब्लम भी है, साथ में ये प्रॉब्लम भी देखने को मिल जा रही है। तो आप लोग खुद समझ सकते हैं कि इस अपडेट के अंदर कितने सारे यहाँ पर बग्स देखने को मिल रहे हैं। अगर कोई व्हाट्सएप से भी वीडियो कॉल करता है तो भी यहाँ पर रेडिश टाइप का इशू देखने को मिल रहा है स्क्रीन के अंदर, और कोई नॉर्मल वीडियो कॉल करता है तो वहां पर भी ये प्रॉब्लम देखने को मिल जा रही है। तो काफी बड़ी यहाँ पर ये प्रॉब्लम आ चुकी है इस अपडेट को करने के बाद। और पांचवी सबसे बड़ी जो इशू है उसके बारे में बता दूं आप लोग, तो दोस्तों आप लोग मैं बता दूं, जो पांचवी सबसे बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिलती है यहाँ पर परफॉर्मेंस को लेकर। यहाँ पर जो रियलमी 3.0 बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 12 का जो अपडेट रिलीज हुआ है, इसके अंदर जो परफॉर्मेंस है वो एकदम यहाँ पर डाउनग्रेड हो चुका है। यहाँ पर परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा बेकार हुई, क्योंकि जो हमारा चैट सपोर्ट ग्रुप है उसमें काफी सारे यूजर बता रहे हैं कि परफॉर्मेंस में यहाँ पर प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। यहाँ पर ऐप ड्रॉवर के अंदर यहाँ पर लैगनेस की प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, साथ में यहाँ पर अगर आप लोग ऐप ओपन या क्लोज करते हो तो एनिमेशन वगैरह के अंदर यहाँ पर काफी ज्यादा लैग है। जो डिवाइस है ना, स्क्रोलिंग के टाइम भी यहाँ पर लैग कर रहा है। तो रियलमी 3.0 जो ट्रायल रिलीज हुआ है ना, काफी लैग से भरा हुआ है, परफॉर्मेंस एकदम यहां पर खराब हो चुकी है रियलमी 8 4G की आफ्टर अपडेट के बाद। तो यहां पर देखा जाए तो परफॉर्मेंस मोड को डिक्रीज कर दिया गया रियलमी 3.0 में, पर अभी ट्रायल वर्जन है, जब स्टेबल अपडेट होगा तो उसमें सारे बग्स को फिक्स कर दिया जाएगा, उस समय यहां पर आपको अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। ये तो बस यहां पर पहला ही अपडेट रिलीज हुआ है जिस कारण यहां पर इतने सारे बग्स देखने को मिल रहे हैं, और काफी डेंजरस बग्स भी है कह सकते हैं, क्योंकि परफॉर्मेंस जमा यहां पर खराब हो चुकी है। मुझे तो सबसे बेकार प्रॉब्लम ये लगी है कि यहां पर जो है ना इसका माइक जो काम नहीं कर रहा है, कई लोगों के साथ ये प्रॉब्लम आ रही है। तो माइक्रोफोन जो है इसका वो सही होना बहुत ज्यादा जरूरी है, अपडेट से प्रॉब्लम है तो अपडेट से इनको सही करना पड़ेगा। अब मैं यहां पर बात करूं छठे प्रॉब्लम की, जो कि है यहां पर AOD से रिगार्डिंग। आपको पता है कि यहाँ पर अपने अपने स्मार्टफोन के ऊपर AOD अप्लाई करा हुआ है, तो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले जब आपने अप्लाई कर रखा है रियलमी 8 4G के अंदर और आपके डिवाइस में रियलमी 3.0 आ चुका है, तो वहां पर होम स्क्रीन के ऊपर एक प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। जो कि जैसे मान लीजिए आपका फोन है ना वो यहाँ पर लॉक है और AOD ऑन हुआ पड़ा है, स्क्रीन के ऊपर टाइमिंग वगैरह वो सब कुछ शो हो रहा है, जैसे कि आप लोग स्क्रीन ऊपर यहाँ पर देख लीजिए और समझ लीजिए। तो यहाँ पर जो आपको व्हाइट डॉट देखने को मिल रहा है ना, वो सही से यहाँ पर रिकॉर्डिंग नहीं हो पाया, वो व्हाइट डॉट नहीं है, जो यहाँ पर गूगल का जो मैसेजिंग ऐप है ना वही वहां पर नोटिफिकेशन शो कर रहा है कि यहाँ पर लोग AOD के अंदर नोटिफिकेशन शो कर रहा है, बट जो फोन है फोन के अंदर किसी प्रकार का कोई भी नोटिफिकेशन पैनल के अंदर कोई भी नोटिफिकेशन शो नहीं कर रहा है, बट यहाँ पर ना ही मैसेजिंग ऐप में कोई नोटिफिकेशन शो कर रहा है, बट यहाँ पर जो AOD के अंदर है वहां पर नोटिफिकेशन शो कर रहा है। तो अब ये देख सकते हैं कितना बड़ा ये बग देखने को मिलता है कि यहाँ पर AOD के अंदर नोटिफिकेशन शो कर रहा है मैसेजिंग ऐप का, बट मैसेज ऐप खोलते तो वहां पर कोई भी ऐप जो है नोटिफिकेशन नहीं आया हुआ, ना ही ऊपर नोटिफिकेशन पैनल में कोई भी नहीं देखने को मिल रहा। तो ये जो कमियां है ना ये सब रियलमी 3.0 के बाद देखने को मिली है। साथ में एक और नई चीज यहां पर ऐड हुई है, अब ये पता नहीं बग है कि क्या चीज है, कि रियलमी 8 4G के अंदर जो ये अपडेट दिया गया रियलमी 3.0 का, इसमें एक चीज देखने को मिल रही है, जो बैटरी इंडिकेटर है ना उसके साइड में यहां पर ग्रीन कलर की लाइट आ चुकी है और काफी तेज उसकी ब्राइटनेस है। अब देखिए यहां पर इस स्मार्टफोन के अंदर कोई तो नोटिफिकेशन लाइट है नहीं फ्रंट के अंदर, और फिर भी अंधेरे के अंदर उसको यहां पर देखा जाए ना तो काफी तेज यहां पर ब्राइटनेस आ रही है, क्योंकि जो यूजर्स लोग है वही लोग बता रहे हैं कि इसकी ब्राइटनेस काफी ज्यादा तेज है। यहां पर बैटरी के साइड में एक यहां पर इंडिकेटर आ चुका है ग्रीन कलर का, और लोग बोल रहे हैं कि यहां पर जो है ना वो इंडिकेटर ये काम करता है कि कोई मैसेजिंग वगैरह यहाँ पे या कोई माइक्रोफोन वगैरह ऑन हो, चाहे यहाँ पर कैमरा में कुछ हो, या कई कई चीजें यहाँ पर लोग बता रहे हैं ये सब चीज यहाँ पर हो सकता है, इस कारण यहाँ पर ग्रीन लाइट जल रही है। अब वो जो ग्रीन लाइट है वो ज्यादातर यहाँ पर कॉलिंग के टाइम ही यहाँ पर जगती है, बाकी ऐसे टाइम में नहीं जगेगी, सिर्फ यहाँ पर कॉलिंग करते समय वो वहां पर ग्रीन लाइट जगने लग रही है, जो कि एक इशू हो सकता है। ये पता नहीं क्या चीज का या फिर ये इशू है कि एक न्यू फीचर है, इसके बारे में भी मुझे जानकारी नहीं है, बट जो ये चीज एक देखने को मिल जाती है। अगला जो यहाँ पर जो सातवा जो सबसे बड़ा चीज है ये है कि यहाँ पर रियलमी के अंदर जो ये अपडेट रिलीज हुआ है रियलमी 8 4G के अंदर, यहाँ पर AOD में कोई भी कस्टमाइजेशन नहीं दिया गया है, ये मुझे सबसे बड़ी कमी लग रही है इसको यहाँ पर अपडेट करने के बाद। और जो लोग बता रहे हैं कि AOD एकदम बिल्कुल नॉर्मल ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का जो फीचर वो बिल्कुल नॉर्मल है, इस बार रियलमी 3.0 के अंदर भी किसी प्रकार का कोई कस्टमाइजेशन का फीचर नहीं, जैसे रियलमी GT मास्टर एडिशन, रियलमी GT, रियलमी X7 मैक्स या इनके अंदर, या रियलमी 8 प्रो इनके अंदर जो अपडेट देखने को मिले उसमें AOD के कस्टमाइजेशन प्रोवाइड करेगा, बट जो ये रियलमी 8 है इसके अंदर कोई भी कस्टमाइजेशन यहाँ पर प्रोवाइड नहीं करा गया है। बस यहाँ पर जो फिंगरप्रिंट का जो डिजाइन है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में उसको थोड़ा बहुत यहाँ पर डिजाइन चेंज करा गया और कुछ नहीं, बट जो हमें कस्टमाइजेशन का जो फीचर जो बाकी रियलमी के सीरीज के अंदर देखने को मिलता है ना, वो रियलमी 8 के अंदर प्रोवाइड नहीं करा गया। तो ये एक यहाँ पर बड़ा इशू है, ये इस चीज को यहाँ पर कंपनी वालों को देना चाहिए था। अब कंपनी वालों को पता नहीं क्या सोचा कि हमारा अपडेट रिलीज कराया और कई सारे फीचर्स को यहाँ पर मिसिंग
कर दिया है और कॉम्प्रोमाइज करा है यहाँ पर, क्योंकि ये भी देख रहे होंगे कि फ्लैक्सी वाले सारे फीचर वो लोग यहाँ पर 15,000 रुपए के स्मार्टफोन पे नहीं दे सकते हैं, तो इस कारण यहाँ पर कुछ फीचर्स को कम भी करा गया है रियलमी वाई 3.0 अपडेट के बाद रियलमी 8 4G के अंदर। तो ये सब कुछ आप सभी को देखने को मिल जाता है। फिलहाल जो ये अपडेट है ये सिर्फ यहाँ पर अलीएक्सप्रेस जिन्होंने फॉर्म भरा था उनको देखने को मिला और बाकी लोगों को यहाँ पर देखने को नहीं मिला है। और मैं अपना ओपिनियन बता दूं तो यहाँ पर बग्स है और मुझे सबसे बड़ा जो बग देखने को लग रहा है वो सिर्फ यहाँ पर माइक्रोफोन वाला इशू है। माइक्रोफोन वाला इशू है वो रियलमी वाले जल्द से जल्द यहाँ पर फिक्स कर दे, क्योंकि हर किसी को यहाँ पर कॉलिंग के ऊपर बात करनी पड़ती है तो उस इश्यू को यहाँ पर सॉल्व होना बहुत जरूरी है। अगर माइक्रोफोन ही काम नहीं करेगा तो आप किसी से कॉल पर बात भी नहीं कर सकते, तो ये चीज यहाँ पर सबसे पहले फिक्स होनी चाहिए। और मुझे यहाँ पर कोई चीज यहाँ पर प्रॉब्लम देखने को नहीं मिली है। बाकी आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ कि आप लोगों को यहाँ पर और क्या यहाँ पर प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, क्योंकि आप लोग यहाँ पर अगर आप लोगों ने फीडबैक यहाँ पर देना है ना तो एक काम करिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है, यहाँ पर आप लोग रियलमी 8 4G के अंदर अपडेट मिल चुका है तो उस फॉर्म लिंक पर क्लिक करिए, वहां पर फॉर्म खुलेगा और आप लोगों ने सारे डिटेल वगैरह भर देना और आपको जो अपनी कंप्लेंट है दर्ज कर देनी है कि हमने यहाँ पर है ना अपडेट करने के बाद हमको ये सारी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। तो रियलमी टीम इसके ऊपर जल्द से जल्द काम करेगी और आपको एक न्यू अपडेट यहाँ पर प्रोवाइड कर देगी जिसमें यहाँ पर सारे बग्स को फिक्स कर दिया जाएगा। जितना जल्दी लोग यहाँ पर रिपोर्ट करेंगे ये अपना रिव्यू देंगे या अपना फीडबैक देंगे ना तो उतनी जल्दी यहाँ पर कंपनी तक बात पहुंचेगी और वहां पर जो आपके बात को जल्दी सुना जाएगा और आपके लिए जो अपडेट है यहाँ पर जल्दी रिलीज कर दिया जाएगा जितने भी यहाँ पर रियलमी 8 4G जैसे डिवाइस में रियलमी वाई 3.0 अपडेट चल रहा है। तो और कोई डाउट वगैरह हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। इतना ही था आज के इस वीडियो में, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, विश्व का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।